22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समूचा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश भर के चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। भिंड जिले के रावतपुरा धाम महंत रवि शंकर महाराज ने अपने धाम में रामाचार्य यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें देश भर के शहरों से हजारों लोग पहुंचकर रामाचार्य यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। रावतपुरा धाम महंत ने कहा कि रामाचार्य यज्ञ अयोध्या धाम में हो रहे रामलला की स्थापना से पूर्व कराया जा रहा है, जिसमें जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते वह लोग रामाचार्य यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य का लाभ ले सकते हैं। रामाचार्य यज्ञ के लिए 108 कुंड बनाए गए हैं, जो उसके लिए सामग्री देश भर के अलग अलग हिस्सों से मंगाई गई है। राम राजा मंदिर का निर्माण और भगवान की रामलला की स्थापना हो रही है, उसी उपलक्ष्य में हम 108 रामाचार्य यज्ञ रावतपुरा सरकार देव स्थान में कर रहे हैं। हम पे और सभी भक्तों पे भगवान की कृपा है। राम का जो महत्व है वो इतना शक्तिशाली है कि सबको शक्ति देता है, धैर्य देता है और व्यक्तियों का विश्वास बढ़ाता है, सबको उगाता है, आगे बढ़ाता है और कर्म करने की प्रेरणा देता है। राम वो है जो एक चंद्रमा है, एक प्रकाश है, एक सूरज है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारी, भगवान शंकर ने इसे सबसे पहले किया था, तभी से हमारे यहाँ ये परंपरा बन गई है कि ये बड़ा सिद्ध अनुष्ठान है। और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री रावतपुरा सरकार जो भी कार्य करती है उनका कार्य विश्व शांति के लिए ही होता है। आप लोग देख रहे हैं कि कई दशकों से हमारे पूर्वज, हम सब ये प्रतीक्षा करते आए हैं कि अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में विराजमान हो। कई वर्षों से वो तंबू में विराजमान थे, लेकिन हमारे पूर्वज तो उनको उस भव्य मंदिर में बैठते हुए नहीं देख पाए।